Hello students, welcome back to our YouTube channel Alisha Maths Classes. So today I am going to start exercise 7.3 or chapter number 7, class 12th integration. So we will start from question number 9. As in our previous video, we have done from question number 1 to question number 8 of this exercise. So those who have not watched our previous video of exercise 7.3, question number 1 to question number 8, please click on the I link. You can just get the description over there. So without wasting the time, let's start now from question number 9. So let us see, this is the question number 9. Question number 9 is integration of cos x upon 1 plus cos x. So please listen to me very, very carefully. In differentiation, there is the perfect method for every question. Means whenever the function is given in the form of quotient, that is u upon v, then there is perfect or well-defined method for that you have to use quotient rule. And when it is in the multiplication, then you have to use product rule. But in integration, there is no well-defined rule. You have to just use your mind to solve each question. You have to use a perfect technique in the starting. आपको एक idea आना चाहिए जिससे आपका question बहुत ही simplified form में जो है solve हो जाए. तो अगर हम इस question की तरफ ध्यान देते हैं तो cos x upon 1 plus cos x है. अगर आप कोई formula लगाने की सोच रहे हैं तो पहले उससे पहले उसके consequences देख लीजिए कि क्या आपका उसे question solve होगा. अगर किसी बच्चे को आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाय 2 पुट कर देते हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू गेट द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. क्योंकि इस क्वेश्चन में यही है, या तो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम t पुट कर सकते हैं जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में पुट किया. तो वहाँ पर ये यहाँ पर ये मेथड तो नहीं चलेगा. तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए नीचे यहाँ पे 1 प्लस कॉज एक्स है और ऊपर भी कॉज एक्स है. तो सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 1 ऐड कर देंगे और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर, मतलब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 इन द न्यूमरेटर. हार्डली मैटर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अगेन यही आ जाएगा. बट इससे हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में आपको पता ही है मैं क्या करूँगी. नीचे मेरा 1 प्लस कॉज एक्स है ना, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे 1 प्लस कॉज एक्स के नीचे 1 प्लस कॉज एक्स ले लूँगी ताकि मेरा ये नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल हो जाए. और नेक्स्ट फैक्टर मेरा क्या बचा है, 1 बचा है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स. नाउ यू नो दैट दिस फैक्टर विल बी कैंसल एंड आई विल गेट 1. एंड ऑल ऑफ यू नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स. नाउ वॉट टू डू इन दिस क्वेश्चन, Now you can use the formula of 1 plus cos x. जैसा मैंने आपको परसों, मतलब आपको मैंने इसमें प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका फॉर्मूला हो यहाँ पे तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है. 1 plus cos x के लिए क्या यूज़ किया था, 2 sin square x by 2 और सॉरी 1 प्लस कॉज एक्स के लिए यस 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाय 2 हमने यूज़ किया था और 1 माइनस कॉज एक्स के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 था. ये फॉर्मूला आपका 11th क्लास चैप्टर नंबर 3 से आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3. सो वहाँ से आपने पढ़ा हुआ है इसका फॉर्मूला 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो माइनस 1 अगर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके प्लस 1 हो जाएगा. यहाँ से और यहाँ इसको कंपेयर करें तो सिर्फ एंगल इसका डबल है. यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x. तो मुझे x चाहिए तो मैं एंगल का हाफ करूँगी. तो दैट मीन्स यहाँ से मेरा फॉर्मूला ओरिजिनेट हो जाता है. 1 प्लस कॉज एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाय 2. तो नेक्स्ट स्टेप में 1 बाय 2 इज ए कॉन्स्टेंट सो यू कैन टेक इट आउटसाइड. 1 अपॉन कॉज स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2. और सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x. तो ये आपका हो चुका है क्वेश्चन. तो 10x बाय 2 और मेरे शॉर्टकट रूल से मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ जो x का कॉफिशेंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है. जैसे डेरिवेटिव में आप चेन रूल से x बाय 2 का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 बाय 2 आ जाएगा. इसका डेरिवेटिव करने पर 1 बाय 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा, यहाँ पे 1 बाय 2 डिविज़न में आएगा. सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ x का कॉफिशेंट देखना है. x का कॉफिशेंट ये 1 बाय 2 है तो ये 1 बाय 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव में सारी चीज़ मल्टीप्लीकेशन में चलती है और इंटीग्रेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा x माइनस 10x बाय 2 प्लस सी. प्लीज़ नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस्ट टू पावर 4x dx.
अब मैंने आपको बोला हुआ है कि इस पूरे की पूरी एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाने वाले हैं, स्पेशली जब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर फॉर्म में हो, मीन स्क्वायर है या फिर क्यूब है, और यहाँ पे तो पावर फोर है। तो पावर फोर के लिए डेफिनेटली हमारे पास कोई फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं होता, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो सबको पता, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर फोर है, टू इंटू टू क्या आ जाएगा, फोर। क्योंकि मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। चेक करके दिखा सकते हैं कैसे, वही इलेवेंथ क्लास चैप्टर नंबर थ्री, अभी अभी हमने कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में। अभी साइन स्क्वायर है तो हम इसका साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस टू एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ से अगर इसको इधर ले आते हैं तो टू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आती है वन माइनस कॉस टू एक्स, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। मैंने वही फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो टू का स्क्वायर आ जाएगा फोर, और कोशिश कीजिए कि जितने भी कांस्टेंट हो उसको डायरेक्टली आप आउट करते जाइए, मतलब इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रैंड है उसमें कांस्टेंट आप बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर वन, बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस टू ए बी करेंगे तो सॉरी यहाँ माइनस टू ए बी आएगा, माइनस टू इंटू वन इंटू कॉस टू एक्स हो जाएगा टू कॉस टू एक्स यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। क्लियर? अब क्या करना आपने, बस ये इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देना है, वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टू एक्स डी एक्स माइनस टू, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स। तो अभी इसका इंटीग्रेशन तो सबको पता है, बहुत ही इजीली आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स। यहाँ फिर से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बन गया है, और मैंने आपको बोला है कॉस स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर बन गई है। तो अगेन हमें अब कॉस स्क्वायर एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, साइन स्क्वायर में माइनस आता है, कॉस स्क्वायर में प्लस आता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अदरवाइज डिराइव करके भी देख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू, मैं वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस टू एक्स, एक्स होता हमारा एंगल, यहाँ पे एंगल क्या है टू एक्स, देखिए यहाँ पे एंगल एक्स था तो इसलिए एक्स आया है, मतलब एंगल का जस्ट डबल हो रहा है, तो यहाँ डबल हो जाएगा, हमारा एंगल क्या है टू एक्स, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं जिस बच्चे को समझ आ गया, टू इंटू टू एक्स फोर एक्स आ जाएगा अपॉन टू डी एक्स माइनस टू, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टू एक्स, और शॉर्टकट मेथड से देख लीजिए सीधा एक्स का कॉफिशेंट क्या है यहाँ पे टू, तो अपॉन में आ जाएगा टू प्लस सी, रह गया सिर्फ इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना। तो इसको देखते हैं, वन बाय टू एक कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स वन प्लस कॉस फोर एक्स डी एक्स आ जाएगा एक तरह से, माइनस टू से टू कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा हमारा साइन टू एक्स प्लस सी, फाइनली हमारा आंसर आएगा एक्स प्लस वन बाय टू इंटू, यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स, और कॉस फोर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन फोर एक्स अपॉन फोर माइनस साइन टू एक्स प्लस सी। तो फाइनली मेरा ये आंसर आ चुका है, इसको बस थोड़ा सा जनरलाइज करना है, ये वन को मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाय टू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो क्या आ जाएगा एक्स बाय टू, और एक्स प्लस एक्स बाय टू कितना बन जाएगा थ्री एक्स बाय टू, तो ये आ जाएगा थ्री एक्स बाय टू। इन दोनों टर्म्स को मैंने जस्ट कंबाइन किया एलसीएम लेके डायरेक्ट, और वन इंटू टू इंटू फोर कितना आ गया वन बाय एट साइन फोर एक्स माइनस साइन टू एक्स प्लस सी। तो ये हमारा जनरलाइज होके आ चुका है, इसको अगर ओपन करना है तो आप दोबारा से ओपन कर सकते हो, थ्री एक्स अपॉन फोर टू द एट, बस वन बाय फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा
ओवरऑल कॉमन लेके भी आप लिख सकते हैं. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड आवर प्रीवियस क्वेश्चन, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द प्रीवियस क्वेश्चन. वहाँ पे अभी हमने सेम यही पावर फोर वाला किया है, तो यहाँ पे भी पावर फोर ही है. सेम स्टेप्स से प्रोसीड करेंगे हम. इसको हम लिख सकते हैं पावर फोर को, हमेशा आपने बस ऐसे ही करना है पावर फोर. और ये वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पावर फोर वाले. तो इसको लिख देना कॉस स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर. अभी अभी हमने कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया. कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 1 cos 2θ/2. अभी अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे. तो 1 cos 2θ यहाँ पे क्या है मेरा? 2x. बस आपने वहाँ से थीटा कंपेयर करना है. सो 1 cos 2θ/2 और इस पर चल रहा है मेरा होल स्क्वायर. तो मैंने आपको बोला हुआ है कि ये जो 2 का स्क्वायर है ये 4 आएगा. यू कैन टेक इट आउटसाइड एंड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. सो a स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, ये 2 × 2x हो जाएगा 4x. और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab, यानी कि 2 × 1 × cos 4x, यानी कि 2 cos 4x. तो हमारा बस अभी तक हमने इसको ओपन किया है, अभी हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं की, सिर्फ इसी टर्म को सिंप्लीफाई किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर. नाउ जस्ट स्प्लिट अप द टर्म्स. सो दैट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 4x dx प्लस 2 इज ए कॉन्स्टेंट सो यू कैन टेक इट आउटसाइड एंड दैट विल बिकम कॉस 4x dx. Further, the integration of 1 with respect to x is x, और ये फिर से cos square theta की फॉर्म में आ गया. तो जब जब आपका cos square theta की फॉर्म में आएगा आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्या अप्लाई करना है? 1 cos 2θ यहाँ पे क्या है? 4x/2. क्लियर? और यहाँ तो आसानी से हो जाएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि cos theta का इंटीग्रेशन sin theta अपॉन एक्स का कोफिशियंट क्या है? 4. ये आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इज ए कॉन्स्टेंट सो यू कैन टेक इट आउटसाइड. 1/2 तो बाहर आ जाएगा, बचा क्या? 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा? x. और ये क्या आया? कॉस. या तो हम एक स्टेप में डायरेक्ट ना करके एक स्टेप में कर लेते हैं, अगले स्टेप में पहले बाद में इसको ओपन कर लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. और 2 × 4x कितना हो जाएगा? 8x. और ये वाले 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 sin 4x प्लस सी. फाइनली जो है हमारा ये क्या आ जाएगा? x प्लस 1/2. इस 1 का इंटीग्रेशन अब क्या आ जाएगा? x. और ये cos 8x का sin 8x अपॉन 8 प्लस 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट ये वाली क्लोज कर देनी है आपने, प्लस 1/2 sin 4x प्लस सी. सो फाइनली आंसर तो आ चुका है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना रह गया है. तो जैसे हमने पिछले टर्म में किया था x प्लस एक्स बाय टू, वही आ चुका है. तो 3x/2 बनेगा. 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 2 × 8 = 16 हो जाएगा. 1/16 sin 8x प्लस 1/2 sin 4x प्लस सी. फाइनली इस ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा. दैट इज़ 3x/8 प्लस 4 × 8 हो गया. 4 × 16 = 64. सो 1/64 sin 8x प्लस 1/4 × 2 = 1/8 sin 4x प्लस सी. सो दिस इज आवर आंसर, प्लीज नोट डाउन. सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 cos x dx. तो जनरली बच्चों के माइंड में आएगा कि यहाँ पे 1 cos x है और ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है साइन की फॉर्म में. लेकिन ध्यान से सोचिए, तो कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ना कि साइन स्क्वायर एक्स होता है. तो इट मीन्स हमारा काम नहीं बनने वाला, हमें कोई और ट्रिक सोचनी पड़ेगी.
तो सबको पता है टेंथ क्लास में साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। वहाँ से साइंस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे साइंस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दी है। यहाँ पे बच्चे इस पूरे चैप्टर में सिर्फ ट्रिक्स का ही ध्यान रखना है आपने, कि हाउ टू यूज़ द पर्टिकुलर ट्रिक टू सॉल्व योर क्वेश्चन इन अ वेरी इजी मैनर। तो हम वही सारे मेथड सीख रहे हैं, बहुत ही इजी मेथड से आप इसकी इंटीग्रेशन को कर सकते हो। अभी आपको पता है कि आप 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। सो ये जो है मैं इस फॉर्म में सिंप्लीफाई हो सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, क्योंकि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो यही आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने फैक्टर बना दिया है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पता ही आपको क्यों बनाया फैक्टर, क्योंकि ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसल। आप डायरेक्ट करना है आप डायरेक्ट कर दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हमारा इस फॉर्म में है तो हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव तो मिल नहीं रहा है। तो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, क्योंकि नीचे हमारा कॉस में है तो हम कॉस 2x का फॉर्मूला कॉस वाला अप्लाई करेंगे। तो अभी अभी मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग से हमारे दो ही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो कॉस 2x का फॉर्मूला वाला जो 1 माइनस, एक कॉस की फॉर्म में है और एक क्या है साइन की फॉर्म में, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ कॉस की फॉर्म में है तो हम कॉस 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस वाला, जो कि क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो कॉस 2x का फॉर्मूला हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ऐसे ही कॉस 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये तो सब बच्चों को समझ आ गया होगा, ये मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। तो मैं जब इसको ओपन करूँगी तो देखिए क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डीएक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनस 1 से प्लस 1 कैंसल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 हमारा कॉमन आ जाएगा और अंदर आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो फिर से पिछले वाले स्टेप की फॉर्म में चेंज हो चुका है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सबको पता है इसको हम आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी यानी कि कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू ए माइनस बी यानी कि कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की फॉर्म में आपका ये चेंज हो चुका है। ऐसा करने से आपका ये जो फैक्टर है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा एक फैक्टर कैंसिल हो गया था। तो अभी बस कुछ नहीं है, आप इसको अलग अलग करना है अलग अलग कर दीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखना है आपने, कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर जब हम कॉस अल्फ़ा करेंगे तो कॉस अल्फ़ा यहाँ पर मेरा फंक्शन नहीं है, कई बार बच्चे इसका इंटीग्रेशन करके साइन अल्फ़ा लिख देते हैं। एक्चुअल में हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, और इस टाइम पे कॉस अल्फ़ा मेरा एक कांस्टेंट है, कॉस अल्फ़ा मेरा कांस्टेंट है क्योंकि इसमें एक्स इंक्लूड नहीं है। जो भी फंक्शन विदाउट एक्स वाले हैं वो हमारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे, और जैसे हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं तो कॉस अल्फ़ा को बाहर ले लेंगे, और क्योंकि अंदर कुछ नहीं बचेगा तो सिर्फ 1 लिख देंगे इसको। तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स हो जाएगा, और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, तो इसे लिखेंगे एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस सी। सो ये हमारा आ चुका है आंसर, प्लीज़ नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपने एक ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो आपको जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है वो है साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ये हम पुट करेंगे
तो ये आ जाएगा 2 sin x cos x dx। ऊपर हमें दिख रहा है cos x माइनस sin x, तो हमने कुछ ऐसा करना है, यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करनी है कि ये जो डेरिवेटिव पड़ा हुआ है उसके लिए हमारे पास फंक्शन मिल जाए। मतलब डेरिवेटिव तो हमेशा ऊपर ही पड़ा होता है, नीचे किसी तरह से हम उसका फंक्शन ले आए चेंजेस करके। तो यहाँ पे बस यही आप हैश मार्क कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस केस। सो व्हाट टू डू नाउ, सी हियर, इस वन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साथ में मेरा क्या चल रहा है, प्लस 2 sin x cos x dx। तो सबको पता चल गया होगा, अब हिंट आ गया होगा बच्चों के माइंड में कि यहाँ पे ऐसा करने से मैम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म का, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला में डिवाइड हो चुका है। आप देखिए आराम से, आपका फंक्शन ये रहा और ऊपर क्या पड़ा है, डेरिवेटिव। तो कई बार डायरेक्टली ना नहीं दिया होता आपको फंक्शन और डेरिवेटिव, आपको अपने आप ही चेंज करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके चेंज करना पड़ता है, चाहे आप फॉर्मूला पुट कीजिए या किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ पे अब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स को मैं टीम सपोज कर लूँगी, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स, और कॉज एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, साथ में आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यही मेरा न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर। और ये हम लिख सकते हैं फर्दर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस्ट टू पावर माइनस 2 dt, क्योंकि हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर विल बिकम नेगेटिव। जब भी ऊपर या नीचे शिफ्ट करते हैं तो बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स द पावर विल गेट चेंज, साइन जो होते हैं उनके चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब फर्दर हमारा ये किस फॉर्म में स्प्लिट अप हो चुका है, एक्स एस टू पर एन की फॉर्म का, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एस टू पर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो माइनस टू प्लस वन आ जाएगा माइनस वन, जिसको मैं आगे लगा दूंगी, लिखने की जरूरत नहीं है, बस नेगेटिव डाल दो। और ये बचेगा टी रेस टू पा माइनस वन, टी रेस टू पा वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टी प्लस सी। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है, सिर्फ आपने टी की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो टी की वैल्यू जो आपने पुट की थी वही ले लेंगे, टी की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो ये आंसर आ चुका है, माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रेशन ऑफ 10³ 2x इंटू सिकेंड 2x dx। तो ध्यान से देखते हैं अगर यहाँ पे, तो हमें एक्चुअल में फंक्शन और उसका डेरिवेटिव फॉर्म में मिल तो नहीं रहा है, क्योंकि सोचिए 10x का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पे तो खाली सिकेंड एक्स पड़ा है, सिकेंड स्क्वायर एक्स तो पड़ा ही नहीं है। तो कुछ और ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो पहले देखिए 10³ 2x को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 10² 2x इंटू 10² 2x। अभी ये देख के आपको थोड़ा हिंट आ रहा होगा कि ये sec x 10x की फॉर्म में आ चुका है, और sec x 10x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x का डेरिवेटिव। इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव sec x 10x होता है। तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, मुझे फंक्शन लाना है, sec x लाना है, तो 10² x को sec² x में चेंज करना बहुत ही ईजी है। 10² x किसके इक्वल होता है, sec² x माइनस वन, 10th क्लास का फॉर्मूला है हमारा। 10² थीटा किसके इक्वल होता है, sec² थीटा माइनस वन। बस यहाँ पे हमारा ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आ चुका है। तो फंक्शन है मेरा sec² 2x, सो sec² 2x को मैं पुट कर लूँगी टी, लेट कर लेंगे यहाँ पे। sec² x का डेरिवेटिव होता है sec x 10x,
और साथ में चेन रूल से 2x का भी डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव है तो 2 भी आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 तो नहीं दिख रहा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा सेकेंड 2x टेन 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये आ गया है, बस इसकी वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 2x की वैल्यू है t, तो ये आ जाएगा t² - 1, और ये पूरा वैल्यू जो है इसकी क्या है dt, क्योंकि 1/2 तो आप पहले ही ले चुके हो बाहर, इसकी वैल्यू क्या थी 1/2 dt, और इसकी जगह t² - 1। तो देख चुके हैं बहुत ही ईजी हो चुका है हमारा क्वेश्चन। t² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t³/3, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो यू विल गेट टी प्लस सी। सो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 × 3 विल बिकम 6। टी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, टी की वैल्यू है सेकेंड क्यूब 2x आ जाएगा, क्योंकि t³ है तो सेकेंड 2x का क्यूब माइनस 1/2 × t है, टी की वैल्यू क्या आ जाएगा सेकेंड 2x प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 10^4x dx। तो अभी अभी हमने sin^4x का किया, cos^4x का किया, अभी 10^4x आ गए हैं, तो देखिए इसको कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 10^2x × 10^2x dx, क्योंकि पता है 10^2x × 10^2x 10^4x आ जाएगा। अब क्या करना है आपने, इस 10^2x को sec²x में चेंज कर देना है, तो क्या आ जाएगा sec²x - 1। अभी आपको रीज़न पता चलते जाएंगे हम ये क्यों कर रहे हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करके इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए, तो sec²x × 10^2x dx आ जाएगा, एक तो हमारा इंटीग्रेशन ये आ जाएगा sec²x × 10^2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 × 10^2x क्या आ जाएगा 10^2x। तो चलिए इस इंटीग्रेशन में तो बच्चों को हिंट आ चुका होगा कि ये रहा मेरा फंक्शन और ये है इसका डेरिवेटिव, लेकिन इसमें अभी भी डाउटफुल है। 10^2x पहले भी कर चुके हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज में, 10^2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, 10^2x को हमेशा हमें sec²x - 1 में चेंज करना होता है। तो मैं अभी इस स्टेप में इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ, और ये जो 10^2x है इसको लिख लेती हूँ sec²x - 1 dx। क्लियर। अब हम इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे लेट कर लेंगे 10x की वैल्यू क्या है t। अब 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x, तो sec²x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt, ये पढ़ा तो हुआ sec²x dx। तो इसकी वैल्यू आपने t पुट की है, तो यहाँ पे सिर्फ बन जाएगा t² और sec²x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt माइनस, इसको अलग अलग कर लीजिए sec²x dx और ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 1 dx। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में तो ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन हो ही चुका है, t² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t³/3। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, पेन चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा t³/3 माइनस sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा x प्लस सी, और फाइनली t की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, t क्या था हमारा 10x, तो ये हमारा आंसर आ चुका है 10³x/3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। सो दिस इज आर फाइनल आंसर। तो देख चुके हैं कि इस तरह से करना है आपको, प्लीज नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स आई होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन टुडे।
we have tried all the methods to solve all the questions to solve in a very simple manner. हमने बहुत कोशिश की, यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल मैनर से जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं वो आइडियाज़ हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं, सो दैट आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व हो जाए और आपको ईजिली समझ भी आ जाए. सो आई होप इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अलीशा मैथ्स क्लासेस. थैंक यू एवरीवन.